कुछ नहीं होना, परेशान नहीं होना, परेशान नहीं होना, प्लीज प्लीज रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स प्लीज प्लीज, आई एम फारूक, आई एम ट्रेन रेस्क्यूर, प्लीज जरा छोड़ दें, मैं आपकी मदद करता हूँ, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, रिलैक्स हो जाए, थोड़ा सा आगे हो जाए, परेशान नहीं होना, आप कैसा फील कर रहे हैं? बेटर। एक बात याद रखें कि खाना खाते हुए, पानी पीते हुए, सम टाइम जिसे हम अच्छू लगना कहते हैं, इंग्लिश में से फॉरन बॉडी एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, और इस वजह से बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है, एक छोटा सा अमल करके हम उस शख्स की जिंदगी को बचा सकते हैं। और अगर कोई शख्स आपके साथ इस तरह की पोजीशन हाथ बना के आए और आपके सामने आके खड़ा हो जाए, तो आप समझ लें कि ये इंटरनेशनल साइन ऑफ चोकिंग है, और उस शख्स से बोला नहीं जा रहा। अगर किसी शख्स के गले में कोई चीज फंस जाए तो क्या वो बोल सकता है? वो नहीं बोल सकता, वो ऐसे ही कहेगा, वो बोल नहीं सकेगा। हम उसके पास जाएंगे और उन्हें कहेंगे कि मैं एक तरबियत याफ्ता रेस्क्यूर हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। हम मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और उसकी दोनों टांगों को आराम से खोलें और एक लेग को उसकी सपोर्ट के लिए पीछे रखें और अंडर आर्म के नीचे से अपने हाथ को डालें और उन्हें हौसला देते हुए कहें कि प्लीज आप रिलैक्स हो जाएं। जब आप उससे छड़वाएंगे बाजू तो वो अनक्लच नहीं करेगा, लेकिन आपको थोड़ी सी एनर्जी लगानी पड़ेगी और उसका एतमाद जीतना पड़ेगा। आप उसके बाजुओं को अनक्लच कर दें, थोड़ा सा पेशेंट को आगे की तरफ झुका दें। याद रखें कि आपने जहां पे ये दोनों रिप्स मिलती हैं, जिनको स्टर्नम कहते हैं, और जीपी स्टर्नम के बिल्कुल पास और जहां पे बैली बटन है, इसके दरमियान आपने अपना हाथ रखना है, और हाथ रखते हुए आपने पेशेंट को झुका देना है और आपने ऐसे मुट्ठी बनानी है। इस मुट्ठी को प्लीज देख लीजिएगा, आपका थंब अंदर होना चाहिए। आपने ऐसे मुट्ठी बनानी है, उनके बैली के ऊपर रखना है, बैली बटन और जीपी स्टर्नम के दरमियान में थोड़ा सा आगे झुका देना है, और आपने पेशेंट को 1, 2, 3, 4, 5 जर्ल लगाने हैं। याद रखें इस मेथड को हेमलिश मनोवर कहते हैं, और हमने जो जर्क लगाने हैं वो इस तरह से लगाने हैं कि जैसे चॉकलेट के साथ आइसक्रीम को निकाला जाता है, जब हम यहाँ हाथ रख के जर्क लगाते हैं तो यहाँ पे जो कैविटी है, इसके प्रेशर की वजह से उस पेशेंट के गले में जो चीज फंसी होती है वो बाहर निकल आती है। ये बात याद रखे कि आपने जब जर्क लगाने हैं, अगर मैं आपको विदाउट पेशेंट डेमो दूं तो अच्छे जर्क लगाने हैं, लाइक दिस 1, 2, 3, 4 इस तरह से जर्क लगाने हैं, और जब तक रेस्क्यू 1122 पर कोई मेडिकल इमरजेंसी पर रिस्पॉन्ड करने वाली सर्विस नहीं पहुंचती, आपने ये अमल जारी रखना है। इस सारे अमल में एक बात इंतहाई काबिले तवज्जो है कि ये हो सकता है कि आपके पेशेंट के गले में फंसी हुई चीज ना निकले और उसको जो अच्छू लगा है वो उसके लिए जानलेवा साबित हो, तो आपने मेंटली प्रिपेयर रहना है। अगर उसके गले का रास्ता सांस लेने का खुला नहीं है तो वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो सकता है। तो आपकी ये जो लेग है, इस लेग को आपने दोनों टांगों के दरमियान में रखना है, ताकि अगर वो पेशेंट गिरे तो उसको मजीद इंजरी ना हो, उसको स्पाइनल इंजरी ना हो, उसको हेड इंजरी ना हो, और अगर वो अनकॉन्शियस होता है, वो गिरता जाता है, तो आपने उसको अपनी टांग के ऊपर सपोर्ट करके उसे आराम से नीचे लटा देना है। दूसरी सबसे अहम बात है कि ऐसा हो सकता है कि कोई ऐसी लेडी हो जो अपनी हेल्थ कंडीशन की वजह से हम उसके बैली के ऊपर ये पुश ना लगा सकते हो, ये उसको थ्रस्ट ना लगा सकते हो, प्रेग्नेंट लेडी हो सकती हैं। ऐसी सूरत हाल में आपने उनकी चेस्ट, वो जगह जहां से दिल की धड़कन बहाल करने के लिए कंप्रेशन दिए जाते हैं, अगर मैं आपको यहाँ पे डेमो करूं तो बिल्कुल वो जगह दरमियान में जहां पे चेस्ट है, मिड ऑफ द चेस्ट, आपने उसी तरह थ्रस्ट देना है, 1, 2, 3, 4, 5। याद रखिये कि जब तक उनके गले की चीज निकल नहीं आएगी तब तक हम उनको थ्रस्ट देते रहेंगे। ये एक इतना छोटा अमल है, लेकिन अगर बरवक कर दिया जाए तो किसी की जान बचाई जा सकती है। छोटे छोटे अमल करके हम इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं, और इन छोटे छोटे एक्शंस को अगर हम अपने बच्चों को और बड़े को सिखाएं तो किसी भी वक्त वो इंसानियत की खिदमत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।